एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए, हर पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, जो टू बी पेरेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए ऑब्वियसली। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि बीबी को वैक्सीनेशन कैसे देना है, वैक्सीनेशन कितने तरह के होते हैं और वैक्सीनेशन के बाद बीबी का केयर कैसे करना है। ये वीडियो व्लॉग वीडियो भी है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन, जब भी आपका बेबी बॉर्न होता है तो उसके साथ एक ऐसा, ये मेरे बेबी की फाइल है, इसमें फर्स्ट पेज पर ही पूरा शेड्यूल दिया हुआ है बेबी का। कि शायद आपको ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो यस, जैसे कि बर्थ पे देना होता है, मैं इसका फोटो लगा दूंगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इसमें पूरा शेड्यूल होता है बच्चों का कि कब उनको कौन सा वैक्सीनेशन देना है। इसमें कुछ वैक्सीनेशन है जो मस्ट हैव है, वो देना ही देना है बच्चों को, और कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप देना चाहें तो आप दीजिए, आपको नहीं देना है तो आप मत दीजिए, वो आपके ऊपर है। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वैक्सीनेशन दे, वैक्सीनेशन है ही इसलिए ताकि बच्चों को लग सके। आजकल वैसे भी ऐसी बीमारियां आ रही है जिसका नाम ही हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें नहीं पता। कोरोना के बारे में किसने सोचा था आज से 2 साल पहले कि ऐसा कुछ वायरस आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सारे वैक्सीनेशन आप बच्चों को दें, चाहे वो मस्ट हैव है चाहे वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वैक्सीनेशन बेबीज को देना ही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन शेड्यूल क्यों होता है। वैक्सीनेशन की डेट होती है, एक चार्ट दिया जाता है हॉस्पिटल से उस पे कि बर्थ के टाइम पे कौन सा वैक्सीनेशन लगेगा, 3 महीने बाद कौन सा वैक्सीनेशन लगेगा, 6 महीने बाद कौन सा वैक्सीनेशन लगेगा, इसका पूरा चार्ट होता है। आपको उसी हिसाब से वैक्सीनेशन लगवाना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है कि आप कोई भी वैक्सीनेशन मिस मत कीजिए और देर मत कीजिए वैक्सीनेशन में। और अगर किसी भी रीजन से देर हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप वैक्सीनेशन लगवा लें। जैसे कि हम लोग अभी लास्ट टाइम दिल्ली चले गए थे और वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर सब बंद थे और वैक्सीनेशन लग नहीं पा रहा था, बट फिर भी हम लोग आए वापस और हम लोगों ने वैक्सीनेशन दिया अद्वैत को। थोड़ा लेट हुआ बट हम लोगों ने वो वैक्सीनेशन दिया। तो कोई भी वैक्सीनेशन मिस मत कीजिए, हम लोगों से जो गलती हुई है वो आप मत कीजिए। अपना अगर आप कोई ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसको वैसे ही प्लान कीजिए जैसे आपके बेबी का वैक्सीनेशन है, जिस हिसाब से शेड्यूल है, क्योंकि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रिप नहीं, ट्रिप बाद में भी हो सकती है। ये गलती हमने की है, प्लीज आप मत कीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं वैक्सीनेशन टाइप। अच्छा, वैक्सीनेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पेनफुल, एक होता है पेनलेस। अच्छा, यहाँ कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पेनलेस है तो इसमें पेन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। पेनलेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को पेन नहीं होगा या फीवर नहीं आएगा या फिर इंजेक्शन लगते वक्त पेन नहीं होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे बॉडी में कोई चीज जा रही है, इंजेक्शन जा रहा है, तो पेन तो होना ही है, करेक्ट, तो वो चीज तो होगी ही होगी। बट इन दोनों में फर्क क्या है? साइंस के हिसाब से इन दोनों में सिर्फ 2 फर्क है और वही 2 फर्क मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक फर्क है कि जो पेनफुल इंजेक्शन होते हैं वो अगर 10 रुपए की है तो पेनलेस इंजेक्शन 100 रुपए की। तो पहला रीजन यही है कि दोनों के बीच में प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क है, मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और दूसरा फर्क जो है वो ये है कि जब पेनफुल इंजेक्शन दिया जाता है, तो जैसे कि वैक्सीनेशन है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 6th वीक में हमारे अद्वैत को DPT, HBV, HIV-1, IPV-1, रोटावायरस-1, PCV-1 ये सब लगे थे, टोटल 6 हैं। आप खुद सोचिए कि अगर 6 वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, 3 इंजेक्शन हाथ पे दिए जा रहे हैं, 3 इंजेक्शन पैर पे दिए जा रहे हैं, तो बेबीज के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो पेनलेस इंजेक्शन होते हैं उनमें ये सारी मेडिसिन मिली हुई होती है और सिर्फ 1 इंजेक्शन में काम चल जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 इंजेक्शन, एक हाथ पे एक पैर पे। तो आप सोच सकते हैं कि जहां 6 इंजेक्शन लगने हैं वहीं दूसरी तरफ 2 इंजेक्शन लगने हैं, तो वो बेबी के लिए कितना
अच्छा होगा। और बेबी के लिए छोड़िए, आपके लिए कितना अच्छा होगा, आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, 6-6 इंजेक्शन उनको लग रहे हैं, वो कितना ट्रोमा देता है आपको, करेक्ट? तो आप उससे बचते हैं। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप लोग पेनलेस के लिए जाएं। मैं भी अद्वैत को पेनलेस वैक्सीनेशन ही देती हूँ, तो पेनलेस के लिए आप जाएं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेनलेस के बाद, पेनलेस वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बेबी को फीवर नहीं आएगा या बेबी को पेन नहीं होगा या फिर बेबी को स्वेलिंग नहीं होगी, होगी, वो होना ही है। आप चाहे पेनलेस के लिए जाएं चाहे पेनफुल के लिए जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें होंगी ही। और तीसरी चीज कि वैक्सीनेशन के बाद बेबी का केयर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी बेबी को वैक्सीनेशन लगता है, थोड़ी देर तक वो दर्द में रहता है, उसको बहुत प्यार से आपको काम करना है, बहुत ही प्यार से। आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आप समझते हैं कि वो काम कैसे हो सकता है, आप उस तरीके से उसको शांत कीजिए। वो शांत हो जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तो वो पेन उसको नहीं फील होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, बेबी को निप्पल दे सकते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि जब बेबी सक करता है तो उसका पेन, उसकी बॉडी जो है वो पेन किलर रिलीज करती है अपने आप ही। तो पेन किलर जब रिलीज होता है तो बेबी अपना दर्द भूल जाता है, उसको उतना पेन नहीं होता, इसलिए आप उसको निप्पल दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे भी इंजेक्शन लगा हुआ है वहां पे आप बर्फ से सेक सकते हैं, आप आइस पैक लगा सकते हैं। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो बर्फ लीजिए, बर्फ को किसी कॉटन के कपड़े में बांध के उसको लगाइए उस जगह पर, उससे बेबी को बहुत आराम मिलता है। वेट मत कीजिए कि जब स्वेलिंग आएगी मैं तभी लगाऊंगी, नहीं, आप पहले लगा दीजिए। बेहतर है कि कोई चीज होने से पहले ही उसको रोका जाए, बजाय इसके कि होने के बाद उसकी दवाई की जाए, करेक्ट? तो आपको वो पहले ही लगा देना है, उससे बेबी की स्वेलिंग नहीं आएगी, रेडनेस नहीं होगा, आराम मिलेगा बच्चे को। और एक आपको हॉस्पिटल से ही मिलता है पैरासीटामोल, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आपके घर में बेबी है तो आपके घर में पैरासीटामोल होना ही चाहिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं कि पैरासीटामोल और भी जो मस्ट हैव मेडिसिन हैं बेबी के लिए, वो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो इसके बाद थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि बेबी को जब भी फीवर होगा, जब भी फीवर हो, आप उसको पैरासीटामोल दे दें। और कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे मुझे पता है, ये मेरा अद्वैत का थर्ड वैक्सीनेशन है, तो मुझे पता है कि वैक्सीनेशन जब उसको हम लोग दोपहर में लगवाते हैं 2-3 बजे और उसको फीवर आता है रात में, तो हम लोग 6-7 बजे तक उसको पैरासीटामोल दे देते हैं ताकि उसको फीवर आए ही नहीं। और फीवर आएगा, बच्चा परेशान होगा, इससे बेहतर है ना कि आप पहले ही दे दें, क्योंकि पैरासीटामोल जो बेबी के लिए आता है, यहाँ पे ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एक बड़े लोगों के लिए पैरासीटामोल आता है, एक छोटे बच्चों के लिए पैरासीटामोल आता है। तो जो बेबी के लिए पैरासीटामोल आता है, अगर वो आप बेबी को देते हैं फीवर होने से पहले भी, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बॉडी अगर उसको वैक्सीनेशन लगाए तो वो फीवर होना ही है, आप लोग को पता ही है, करेक्ट? तो आप उस पहले ही पैरासीटामोल दे दें, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथी चीज करनी है, बेबी को ढीले से ढीले कपड़े पहनाएं। कपड़े पहनाना जरूरी है। मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन में गलती की थी कि मैंने डायपर भी नहीं पहनाया था अद्वैत को, मैंने सोचा कि वो खुला रहेगा तो वो उसको पेन नहीं होगा, बट ये मेरी गलती थी। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जहां पे वैक्सीनेशन लगा है, गलती से भी अगर वहां पे बैक्टीरिया पनप गए तो बेबी को और ज्यादा उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कपड़े से ढक के रखिए, टाइट कपड़े मत पहनाइए, ढीले कपड़े पहनाइए, लेकिन कपड़े जरूर पहनाइए। अच्छा, फिफ्थ सबसे जरूरी चीज है कि इस टाइम पे बेबी को पैम्परनेस की जरूरत होती है, इस टाइम पे बेबी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिससे वो लगाव महसूस करता है, जिसके साथ वो रहना चाहता है। जब अद्वैत को फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा था उस टाइम पे उसका जो लगाव था वो अपनी दादी के साथ ज्यादा था, उसकी दादी उस टाइम पर थी, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन के टाइम पे उसकी दादी ने ही उसको संभाला। सेकेंड और थर्ड टाइम पे उसे मुझसे ज्यादा लगाव हो गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ 2 दिन तक। मैं उस 2 दिन में बिल्कुल घर के काम वाम सब साइड कर देती हूँ, मैं सिर्फ अद्वैत के साथ रहती हूँ वैक्सीनेशन के टाइम पर, ताकि वो उसको मुझसे जो लगाव है वो मेरे साथ रहे और उसे सिक्योर फील हो। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपके बेबी को वैक्सीनेशन लगे तो कम से कम 2 दिन तो आप उसके साथ रहें, उसके साथ खेले, उसका माइंड डाइवर्ट करें, जब भी वो रो रहा है उसका माइंड डाइवर्ट करें। छोटे बच्चे हैं यार, हो जाता है, वो बहुत जल्दी उनके माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी खेलने लगते हैं और दर्द को भूल जाते हैं। तो आप उनके साथ खेलिए, अगर आपका बेबी अगर अपनी मॉम के साथ ज़्यादा फ्रेंडली
फैमिली है, ज्यादा नजदीक है, तो उनकी मॉम उनके साथ रहिए। अगर पापा के साथ ज्यादा फ्रेंडली है, पापा के ज्यादा क्लोज है, तो पापा लोग प्लीज 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए ऑफिस और अपने बच्चे के साथ रहिए। इस टाइम पे बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो दर्द में होता है। हमें भी जब दर्द होता है तो हमें भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ हम कंफर्ट फील करते हैं। तो दोस्तों ये था सब कुछ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने अद्वैत को वैक्सीनेशन लगवाया और कैसे मैंने उसकी केयर की, इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अद्वैत की वैक्सीनेशन के लिए। त्यांना सांगितलं खाली झाले तुम्हाला चुंदर बाबू देखो चुंदर मेला पीछे चुंदर बाबू में मेला मेरा चुंदर बेटा है। इतना सुंदर बेटा किसी का नहीं होता, नहीं होता। देखो तो कितना प्यारा बेबी है मेरा, बहुत प्यारा बेबी है। चुंदर बाबू मेरा प्यारा प्यारा बाबू मेरा, राज दुलारा बेटा है, प्यारा प्यारा बच्चा है। पीला प्याला पीता है, सुंदर राज दुलारा है, प्याला प्याला पीता मेरा, ये तो सबसे प्यारा है। हाँ, इतना प्यारा बेटा नहीं होता किसी का। बच्चों के पैरों में जो स्वेलिंग आती है वैक्सीनेशन के बाद, उसके लिए उन्हें आइस पैक से सेकना होता है। आप आइस पैक को कपड़ों में पहले पूरी तरीके से फोल्ड कर लें, उसके बाद उससे सेकें। डायरेक्ट यूज़ ना करें क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है और बेबी की स्किन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बेबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसको। तो आपको उस कपड़ों में फोल्ड करके, कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उस कपड़े में फोल्ड करके आराम आराम से आप सेकें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेबी का माइंड डाइवर्ट करते रहें, वरना वो अच्छे से सेकने नहीं देगा। यहाँ पर अद्वैत को उसके पापा खिला रहे हैं, उसके पापा उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो शांति से करवा रहा है। आप देख सकते हैं अद्वैत कितने आराम से सेकने दे रहा है मुझे। तो यही आपको करना है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना है। आप खुद भी बात कीजिए, अपने पार्टनर को बोलिए बच्चे से बात करने के लिए, और आप बात करेंगे, उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा, वो अच्छे से सेकने देगा, तो उसे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अद्वैत को कितना आराम मिला हुआ है। अब यहाँ पर मेरा जो आइस पैक है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, अब उतना ठंडा नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ उसके पैरों पे, ताकि उसको और अच्छे से आराम मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं अद्वैत कितने अच्छे से खेल रहा है, वो बात कर रहा है अपने पापा से, उसके पापा उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो भी उनको रिप्लाई कर रहा है अपने एक्शन से, और अच्छे से वो सिखवा रहा है।
तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करें। आपका कमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा मुझे प्रोत्साहित करता है मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। मैं आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, कॉमेंट करें और खूब सारा शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।